वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे अगर कोई अपराध घटित होती है, चाहे वो संज्ञेय हो या फिर असंज्ञेय हो, और उस स्थिति में पुलिस जो है आपके पास आके और आपका नाम और पता पूछती है और आप बताने से इनकार कर जाते हैं या फिर अपना नाम और पता गलत बताते हैं, ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी, कानून से संबंधित होगी, उसको मैं छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हर संभव कोशिश करता रहता हूं, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। जितना ज़्यादा ज्ञान होता जाएगा, शक्ति उतनी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी घटना घटित होती है और पुलिस आपके पास आती है, और पुलिस ये जानने के लिए आती है कि आपका नाम और पता क्या है, हो सकता है कि पुलिस को ऐसा लगता हो कि आपकी लिप्तता इसमें है, आपकी संलिप्तता इसमें है, आप इसमें इन्वॉल्व हैं इस घटना में, या नहीं भी हैं, फिर भी अगर आपसे अगर पूछा जा रहा है तो निश्चित रूप से आपको अपना नाम एवं पता अच्छी तरह से सही सही बताना चाहिए। अगर आप गलत बताते हैं और इस चीज़ की जानकारी पुलिस को हो जाती है कि आपने इस बात की गलत जानकारी दी है, तो आपको CRPC 42 यानी CRPC का सेक्शन 42 के तहत आपको गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है पुलिस। तो इस बात को आप अच्छी तरह से जान लें कि कभी भी गलत नाम पता नहीं बताना है, बताने से इनकार नहीं करना है, आपकी उसमें जो है इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है ये कोई मैटर नहीं रखता है। आप किसी भी स्थिति में पुलिस को अपना सही सही नाम एवं पता बताएं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।